बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं इशाल सुलेमान। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। प्रोग्राम के आगाज में हम आपको बताते हैं कि मौसम भाई बहुत अच्छा हो रहा है। हल्की फुल्की बारिश इस वक्त जारी है और मौसम जो है वो वैसे भी इस हफ्ते बताया गया था कि खुशगवार ही रहेगा और जो हफ्ते का आगाज हुआ था वो भी बड़ा अच्छा हुआ था और आज जो तीसरा दिन है हफ्ते का और आज भी बहुत अच्छा और खुशगवार मौसम। कम अज़ कम मौसम अब्र आलूद तो जरूर है, हल्की बूंदाबांदी हो जाती है जिस वक्त जो है ये अब्रे करम बरसने का दिल कर रहा होता है ना, वो हो जाता है। अच्छा, आपको हम एक और बात बताते हैं, बुजुर्गों के लिए बड़ी अहम बात है। वो अहम बात ये है कि हम ये देखते हैं कि बुजुर्ग जो है हमारे, उनकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है तो कुछ जहनी मसाइल का सामना करना पड़ता है। मसाइल किस तरह के है, चीज कहाँ पर रखी है उसको भूल जाना, किसी का नाम भूल जाना, कोई बात की हुई हो वो भूल जाना। तो डॉक्टर्स ने इस हवाले से, मतलब रिसर्चर्स ने जो इस हवाले से रिसर्च की है, वो एक रिसर्च हमारे सामने आई है। वो कहते हैं कि अगर बुजुर्ग अफराद जो कोई मशक्कत का काम नहीं कर सकते हैं, वो घरेलू छोटे मोटे काम करते रहें, उससे ये होगा कि उनकी जो जहनी सेहत है वो बेहतर रहेगी। जहन जो है वो बचपन में आप जब कोई एक्सरसाइज करते हैं तो उस पर जहन से काम ले रहे होते हैं, तो हमें पता लगता है कि आप उनकी शुरू करवाते हैं घर के छोटे छोटे कामों में तो उनका भी दिमाग अच्छे से काम करना शुरू कर देते हैं। ऐसे जैसे बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग भी जब बहुत ज्यादा एज में चले जाते हैं तो बच्चों की तरह हो जाते हैं। उनको भी अगर आप काम में, छोटे मोटे काम में, घरेलू कामों में आप उनको उलझाए रखते हैं तो उनका दिमाग जो है वो अच्छे से परफॉर्म, बिल्कुल ऐसे ही है वो, मतलब कि आप उनका दिमाग बेहतर काम करेगा और हम ये देख लेंगे कि वो चीजें भूल नहीं रहे होंगे, जो दिमागी कैफियत है उनकी वो डिप्रेशन में कम से कम नहीं जा रहे होंगे, उनको ये नहीं होगा कि मुझे नाम भूल जाएगी, मसरूफियत मिल जाएगी। तो ये घरेलू छोटे मोटे काम करते रहें, ये चीज उधर रख ली, अच्छा ये थोड़ा सा काम है, गार्डनिंग वगैरह कर ली, बिल्कुल उनसे मशवरा लें घर में आपके। हाँ। हमें क्या करना चाहिए, हमें हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हमें घर की सजावट में मजीद क्या बेहतरी ला सकते हैं, हम अपने गार्डन को किस तरीके से मजीद बेहतर कर सकते हैं, तो वो आपको खुद अपने तजुर्बात से भी कुछ फायदा देंगे और फिर आपके साथ हाथ भी बटाएंगे तो वो इस तरह से वो ज्यादा एक्टिव रहेंगे, उनका दिमाग एक्टिव रहेगा और वो फ्रेश रहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, उनको बिल्कुल आपने रिटायर नहीं कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि वो दिमागी तौर पर जो है उसी तरीके से रहें जिस तरह हम बचपन से बुजुर्गों को देखते आए थे, तो उसके लिए ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको घरेलू एक्टिविटीज़ में थोड़ा सा जो है ना, आपने कहना है कि जी कि आप ये काम कर लें और वो खुद खुशी से कर रहे होंगे कि अच्छा इन्होंने अभी हमें खुद भी रिटायर नहीं किया, हम ये कर सकते हैं। और ये उनको एक उनकी हौसला अफजाई होती है कि आप अभी बूढ़े नहीं हुए, आप अभी जवान हैं, आप ये भी कर सकते हैं। ये तो उनको कहना ही नहीं है ना कि आप बुजुर्ग हो गए, आप बूढ़े हो गए, बिल्कुल ये तो इंसान को वैसे मेरे ख्याल में खत्म कर देती है चीज़ की, भाई आप बूढ़े हो गए, अब आप ये नहीं कर सकते, बिल्कुल तो वो वैसे ही हिम्मत छोड़ जाते हैं और वो वैसे ही जो है वो वक्त बस गिन के गुजारना शुरू कर देते हैं। तो बड़ों को अपने करीब मजीद कीजिए, उनको मजीद जो चीजों में अपने साथ इन्वॉल्वमेंट उनकी दिखाइए। जब आप छोटे थे तो सोचें कि उन्होंने आपको किस तरीके से हर चीज में आपको इन्वॉल्व किया, हर चीज में आपको एक एक कदम चलना सिखाया, एक एक स्टेप जो है वो आपके साथ उठाया, तो फिर आप जो है वो इस मुकाम पर पहुंचे। तो इसलिए बड़ों की बहुत ज्यादा, इन शॉर्ट अगर हम एक जुमले में इस बात को खत्म करें तो उनकी अथॉरिटी को कभी खत्म ना करें। उनको सबसे ज्यादा ठेस उस वक्त पहुंचती है जब घर में उनकी अथॉरिटी खत्म हो जाती है। तो आप बुजुर्ग जिस तरह हमारी जो है, हमारे जो हैं उनकी उम्र बढ़ती जाती है, हम देखते हैं कि घरों में उनकी अथॉरिटी कम होती चली जाती है, उस अथॉरिटी को कम ना होने दें। यकीन करें उनकी सेहत पर बहुत बेहतर असरात इसके मुरतब होंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले इशाल कोरोना वायरस के हवाले से ही बात करेंगे। तीसरी लहर जो है उसके फैलाव में कमी के हमें फिलहाल कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि हुकूमती कोशिशें भी जारी हैं और वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है। बिल्कुल ऐसा ही है, तशवीशनाक मरीजों की जो तादाद है उसमें भी बतदरीज इजाफा देखने में आ रहा है, अस्पतालों में शदीद दबाव बढ़ने लग गया अब तो। लेकिन खुशाइन बात यह है कि आज 50 से 59 साल के उम्र के जो अफराद हैं उनकी वैक्सीनेशन शुरू की जा रही है। इस जमन में ये सवालात भी उठ रहे थे कि क्या कोरोना से बचाव के लिए एक से ज़्यादा वैक्सीन फ़ायदेमंद हैं। पाकिस्तान में तिबी माहरीन ने कोरोना से बचाव के लिए एक से ज़्यादा वैक्सीन के इस्तेमाल को फ़ायदेमंद करार दे दिया है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, तिबी माहरीन का कहना है अगर किसी को एक से ज़्यादा मुख्तलिफ कंपनीज की वैक्सीन लगवाने की सहूलत मौजूद हो तो वो इसका फ़ायदा उठा सकता है।
تاہم بعض طبی ماہرین کی جانب سے اس حوالے سے محتاط رہنے کا مشورہ دیا گیا۔ اچھا، خاص طور پر یہ جو کوسچن اٹھ رہا ہے یہ مغرب میں زیادہ اٹھ رہا ہے، اگر ہم دیکھیں تو جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں جن کو اتنی ویکسین جو ہے وافر مقدار میں اویلیبل ہے جو خود سے لگوا سکتے ہیں، ان کے لیے یہ سوال زیادہ اٹھ رہا ہے۔ پاکستان جیسے ملک، ہمارے جیسے جو ملک ہیں ابھی اتنے سلو ہیں ویکسینیشن پروسیس کے اندر، لیکن جب ہم دیکھیں گے کہ پرائیویٹلی جو ہے اجازت دی گئی ہے اور پرائیویٹلی ویکسینز آ رہی ہوں گی، تو اس وقت جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ان کی جانب سے بھی یہ کوسچن ہے کہ کیا ہم ایک کے بعد دوسری ویکسین لگوا سکتے ہیں تاکہ جی ہمارے لیے شاید زیادہ بہتر ہو جائے۔ اور ماہرین کا کہنا ہے کہ مختلف ممالک میں ایک سے زیادہ ویکسین لگوانے کے ٹرائلز کا حتمی نتیجہ ابھی تک نہیں آیا، اس لیے فی الحال اس سے بچنا بہتر ہے میرے خیال میں، کیونکہ ابھی ٹرائل کا جب تک نتیجہ نہیں آ جاتا، کوئی حتمی نتیجہ نہیں آ جاتا، تب تک ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ سیف ہوگی، آپ کو لگوا لینی چاہیے یا نہیں۔ ماہرین بھی یہی کہہ رہے ہیں، تو اس لیے تھوڑا سا محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے پاکستانی نیاد کینیڈین ڈاکٹر ایچ باج صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کورونا کی پہلی جو اورل میڈیسن انہوں نے بنائی ہے، اس وقت کلینکل ٹرائل فیز 3 میں ہے وہ، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے مختلف امراض کے لیے جو ہے ادویات بنائی ہیں جو امریکہ، کینیڈا سمیت مختلف ممالک میں استعمال ہو رہی ہیں، اور پاکستان اوریجن کے یہ پہلے ڈاکٹر ہیں اس حوالے سے، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ ڈاکٹر صاحب، یہ سوال اٹھنا کہ کیا ہمیں ایک ویکسین کے علاوہ کوئی اور ویکسین بھی لگوا لینی چاہیے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مختلف ڈوزز ایک ہی ویکسین کی، دو مختلف ویکسینز، یہ سوال کن لوگوں کا ہے؟ آپ کو لگتا ہے پاکستان میں یہ سوال کیا جانا چاہیے کہ ہم دوسری ویکسین کوئی لگوا سکتے ہیں یا نہیں لگوا سکتے، یا کچھ بھی کہنا ابھی قبل از وقت ہے؟ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن دی شو۔ جو آپ کا کامنٹ ہے کہ ایک سے زیادہ یا دوسری کمپنی کے ویکسینز اگر لگائیں، تو یہ ٹوٹلی اس سٹیج کے اوپر جو ہے بالکل ڈسکریج ہے اور منع ہے، کیونکہ ابھی جو ہے کلینکل ٹرائلز میں یہ کچھ کمپنیز ہیں جو اپنی لے کے ویکسینز کو ٹیسٹ کر رہی ہیں، وہ کلینکل ٹرائل کے سٹیج کے اندر ہیں، اور ابھی تک کوئی ریزلٹس ایسے نہیں آئے جس سے لے کے پتہ لگ سکے کہ یہ افیکٹو ہوگا یا نہیں ہوگا یا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ سو میں اس چیز کو ریکمینڈ کروں گا، اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی بھی یہی گائیڈ لائنز ہیں کہ اس کو ہرگز، بے شک آپ کے اگر لوکل ڈاکٹر یا کچھ اگر اس طرح کا ریکمنڈیشن دے رہے ہیں، تو یہ ٹوٹلی اگینسٹ میڈیکل ایتھکس ہے اس ٹائم پہ، جب تک کلینکل ٹرائل کے لانگ ٹرم ریزلٹس یا شارٹ ٹرم ریزلٹس نہ آ جائیں۔ صحیح۔ تو ڈاکٹر صاحب، چائنا کی جانب سے بھی کہا گیا تھا کہ ہم اپنی مختلف ویکسینز کو ملا کر لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا اس سے امیون سسٹم بوسٹ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے اس سے، کیا کوئی سائیڈ افیکٹس بھی اس کے ابھی تک سامنے آئے، یا پھر چائنا میں یہ جو تجربہ تھا یہ کیا گیا ہے؟ جی، کلینکل ٹرائلس، کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ کلینکل ٹرائلس تو چل رہے ہیں، بٹ پرابلم یہ ہے کہ بہت سارے ویکسینز الگ الگ ٹیکنالوجی سے تیار کیے گئے ہیں، جیسے چائنا کا جو ہے وہ انیکٹیویٹڈ وائرس ہے، کوئی یورپین کمپنی کا ایک بالکل میسنجر آر این اے ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے یا کچھ ہو اس طریقے سے، تو کیسے ان کا انٹریکشن ہوگا یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہے، اور ہو سکتا ہے کہ سکسیزفل ہو اور ہو سکتا ہے کہ یہ بالکل جو ہے بیک فائر کر جائے۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب۔ ایک اور اہم چیز ہے کہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دبئی میں یہ معاملات چل رہے ہیں، یو اے ای یہ معاملات کر رہا ہے کہ اگر آپ نے دو ڈوزز لگا لی ہیں، جس طرح سے پاکستان میں سائنو فارم لگ رہی تھی، دو ڈوزز لگا لی ہیں لیکن آپ کی اینٹی باڈیز جو ہیں وہ ڈیولپ نہیں ہوئے ہیں، تو پھر اسی کی تیسری ڈوز جو ہے لگا دینی چاہیے تاکہ اینٹی باڈیز جو ہیں ڈیولپ ہو سکیں، یہ کتنا درست ہے؟ یہ جیسے کہ کلینکل ٹرائل ریزلٹس میں اور جہاں تک آیا ہے، یہ ٹوٹلی اگینسٹ جو اپروڈ اس کے جو ڈوسیج کے انسٹرکشنز ہیں، جیسے اگر کسی ویکسین کی دو ڈوزز اگر الاؤڈ ہیں، جو کچھ بھی بیچ میں گیپ دیا جاتا ہے، تو وہ دو ڈوزز ہی لگانی چاہیے، جب تک کلینکل ٹرائل ایک تھرڈ ڈوز کو یا جو بھی ایک جو کمپنی ڈیولپ کر رہی ہے اس کی طرف سے ریزلٹس پبلش نہیں ہوں گے یا اناؤنس نہیں ہوں گے، مگر ڈاکٹرز اپنی طرف سے اگر کر رہے ہیں، کیا سائڈ افیکٹس ہو جائیں گے، کس طرح کے نہیں ہوں گے، انفارچونیٹلی بہت ملکوں کے اندر بہت ان ایتھیکل پریکٹس آف میڈیسن ہو رہی ہے، اور اسپیشلی ویکسینس کے نام پہ لوگوں کو سارٹ آف مس انفارمیشن بھی اور رانگ ڈائریکشن بھی دیا جا رہا ہے۔ تو بہت کیئرفل اس کو وین کریں، جب تک جس کمپنی نے مینوفیکچر یا بنایا ہے یا ڈیولپ کیا ہے ویکسین، ان کی طرف سے جب یہ اپروول نہیں آتا کہ آپ کمبینیشن میں لے سکتے ہیں یا اور کوئی اگر تھرڈ ڈوز کا بھی لے سکتے ہیں، میرے خیال سے ابھی کسی بھی کمپنی کا تھرڈ ڈوز کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں آئی ہے۔ بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب۔ اگر ہم یہ دیکھ لیں، آپ نے خود بھی میڈیسنز بنائی ہیں، آپ کا اس کے اوپر کافی ریسرچ ہے، ویکسین جو بھی لگوائی جا رہی ہے، اگر تمام ممالک میں مکمل طور پہ ہر شخص کو یہ ایک دفعہ ویکسین لگ جاتی ہے، تو کیا ایسا بھی ہوگا کہ ہمیں ہر سال اس ویکسین پہ جانا پڑے، ہر سال یہ ویکسین لگوانی پڑے؟ جی بالکل پاسبل ہے، کیونکہ ابھی تک جس طرح کے کلینکل ٹرائلز میں دیکھا گیا ہے،
जो शॉर्ट टर्म क्योंकि इमरजेंसी ऑथराइजेशन के थ्रू ज़्यादातर कंट्रीज़ के अंदर ये अप्रूव हुई है, तो इसके अभी जो भी डेटा और जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो बहुत शॉर्ट टर्म अवेलेबल है। हो सकता है कि बार बार हर साल लगानी पड़े, ये जब ये रिजल्ट्स आएंगे तो उसके बाद पता लग सकेगा। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, हम तीसरी लहर की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो तीसरी लहर है वो बिल्कुल बेकाबू हो चुकी है, हमसे कंट्रोल नहीं हो रही है, हालांकि गवर्नमेंट कोशिशें भी कर रही है। हम अमेरिका की बात करें, कनाडा की बात करें, आपने वहाँ पर कैसे देखा कि वहाँ पर कैसे काबू पाया गया? क्या सिर्फ वैक्सीनेशन ही हल था कि वहाँ पर वैक्सीनेट किया गया लोगों को, उसके बाद जो है कुछ कमी आई? वैक्सीनेशन का तो चले थोड़ा सा स्लो प्रोसेस चल रहा है, यूएस के अंदर ज़्यादा है, कनाडा में कंपैरेटिवली स्लोअर है, मगर सबसे ज़्यादा एनफोर्समेंट जो उधर किया है वो लॉकडाउन्स किए गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को प्रमोट करना, मास्क लगाना और जो बेसिक जो SOPs है उनको फॉलो करने के लिए किया गया, और उसके बहुत हद तक इफेक्ट हुए हैं पॉजिटिव। बट एट द सेम टाइम तीसरी लहर कनाडा में भी, यूएस के अंदर भी बहुत कुछ इलाकों में बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। कनाडा में बड़ा सिवियर लॉकडाउन है और वहाँ पर स्टे एट होम ऑर्डर्स हैं, तो सिर्फ एसेंशियल काम के लिए आप घर से बाहर निकलते हैं। ये पिछले एक साल से ऐसे ही हो रहा है, तो आई थिंक यहाँ पर भी बड़ा ज़रूरी है कि लॉकडाउन ठीक है इस माशरे के अंदर शायद में भी हल ना हो, मगर लोगों में अवेयरनेस बार बार क्रिएट की जाए कि मास्क पहने और हैंड वॉशिंग का, सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर लोग उस चीज़ को टोटली इग्नोर कर देते हैं। सही डॉक्टर साहब, अगर बच्चों की बात कर लें तो बच्चे, क्योंकि तीसरी लहर जो हमारे पाकिस्तान में चल रही है उसमें बच्चे काफ़ी हद तक मुतासर हो रहे हैं, दीगर ममालिक की अगर बात करें तो बच्चों के मुतासर होने की शरह कितनी है, पहली वेव में कितनी थी और अब की जो वेव चल रही है उसमें कितनी है? मैं परसेंटेज तो एग्जैक्टली नहीं बता सकता, मगर पहली वेव जो थी उस टाइम पे इतने ज़्यादा बच्चों में इफेक्ट नहीं हुआ था, और ये भी कहा जाता था कि बच्चों पे कोरोना वायरस का इफेक्ट नहीं होता, मगर स्लोली स्लोली उसके बाद देखा गया कि बिल्कुल इन्फेंट्स और छोटे बच्चों के अंदर स्टार्ट हुआ। अब जो है वो एक टोटली डिफरेंट परसेंटेज जो हैं या केसेज हैं बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होना शुरू हो गए, तो कोई भी एज ग्रुप इससे महफूज नहीं है एट दिस टाइम। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, हमें ये भी बता दीजिएगा क्योंकि आप पहली ओरल मेडिसिन जो कोरोना के लिए बनाई जा रही है उस पर काम कर रहे हैं, क्लिनिकल Phase 3 ट्रायल भी उसके जारी हैं। एक सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से ये वायरस म्यूटेट कर रहा है और मुख्तलिफ जो हैं हम देख रहे हैं कि स्ट्रेन्स हमारे सामने आ रही हैं, हमने UK वेरियंट देखा, ब्राज़ीलियन वेरियंट देखा, मुख्तलिफ वेरियंट्स हैं, और फिर सवाल उठा कि क्या हर जो एक वैक्सीन बनाई गई है वो तमाम वेरियंट्स के लिए होगी या नहीं होगी? अभी आपकी जो ओरल मेडिसिन है वो ट्रायल की क्लिनिकल Phase 3 ट्रायल में है, क्या वो सबके लिए एप्लीकेबल होगी या अभी आप नहीं बता सकते कुछ भी? मैं थोड़ा सा डिफरेंट एक चीज़ बता दूं कि वैक्सीन जो है वो ठीक है, अगर आप उसके इंफॉर्मेशन जो जो कंपनीज रिलीज करती हैं, बहुत सारी ऐसी हैं जो नए वेरिएंट्स के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं है वैक्सीन्स। जो ओरल मेडिकेशन जिस पे मैं काम कर रहा हूँ और दूसरी भी डेवलप हो रही हैं, वो एक बॉडी के सर्टन एरियाज में जाके जो कोरोना वायरस अफेक्ट करता है वो उस इफेक्ट को और उस चेन को ब्रेक करना उसका एक्सपेक्टेशन है। अच्छा। और तो वो बेसिकली एक डिफरेंट जी, क्योंकि वैक्सीन जो है वो इम्यूनिटी को डेवलप करता है, बॉडी की फाइटिंग कैपेबिलिटीज और एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं। और ये भी मैं एक क्लेरिफाई कर दूं कि सब में एंटीबॉडीज इक्वल अमाउंट से नहीं होती कि डेवलप, किसी में ज्यादा होती है किसी में कम, बॉडी के अपने इम्यून सिस्टम, इंडिविजुअल के अपने इम्यून सिस्टम पर डिपेंड करता है। दवाइयां जो ली जाती हैं वो जब एक दफा डिजीज डेवलप हो जाती है कोविड, तो उसके प्रोसेस को, प्रोग्रेशन को या तो रोके, अगर माइल्ड है किसी को मॉडरेट ना होने दे, मॉडरेट है सीवियर ना होने दे, फिर आगे जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो दवाइयों का ये, चाहे ओरल हो चाहे और दूसरे फॉर्म की हो, उनका ये पर्पस है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर अर्शी कज़लबाज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सब सवेरे पाकिस्तान साहब ने बड़ा अहम क्वेश्चन है जो लोगों के जहन में आ रहा है, खासतौर पे जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो इसलिए ये सवाल कर रहे हैं कि वो अपनी हेल्थ को जो है मजीद बेहतर कर सके और वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ये क्वेश्चन करते हुए, क्योंकि आपने बाहर निकलना है, आपने अपनी जॉब्स पर जाना है, तो वो अपने आप को जितना महफूज रख सकें, इसलिए ये लोगों के जहनों में सवाल थे जिसका जवाब जो मेरे ख्याल में आप लोगों को मिल चुका होगा। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि मुल्क जो है वो दुरुस्त सम्त में जा रहा है? ये सवाल हम नहीं पूछ रहे हैं, गैलप पाकिस्तान ने अपने हालिया सर्वे में ये सवाल पूछा। जी हाँ, और इसका जवाब भी मिला है जिसमें चारों सूबों से खवातीन और मर्दों की राय ली गई है। सर्वे के नतायज के मुताबिक 38% जो पाकिस्तानी हैं वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो बेहतरी की जानिब गामजन हो चुका है और मुल्क दुरुस्त सम्त में इस वक्त जा रहा है, दुरुस्त डायरेक्शन पर चल रहा है, जबकि 41% पाकिस्तानियों की राय जो है इसके बिल्कुल उलट है। सर्वे के मुताबिक 41% पाकिस्तानी मुल्क के मौजूदा हालात से मायूस हैं और उनका कहना है कि मुल्की मामलात जो हैं
को दुरुस्त करने की जरूरत है। बिल्कुल, गैलप पाकिस्तान का कहना था कि सर्वे में 21% जो अफराद हैं उन्होंने कहा है कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहते हैं, उनकी कोई राय नहीं है, मतलब वो जवाब देने से गुरेजा हैं। उनका ये कहना कि ये सही है या गलत है, मतलब वो नहीं बता सकते। 21% जो है ये बहुत ज्यादा तमाम पार्टीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कि ये जो कुछ राय ही नहीं रख रहे या राय देना नहीं चाह रहे हैं इसके ऊपर, ये क्या फैसला करेंगे आखिर में जाके जब इलेक्शंस हो रहे होंगे। इस तमाम तर सूरतेहाल के ऊपर के जो सर्वे किया गया इसके लिए सैंपल साइज क्या था, बात करेंगे गैलप पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव बिलाल गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल गिलानी साहब अस्सलाम वालेकुम। 38% लोगों का कहना है कि मुल्क दुरुस्त सम्त में जा रहा है जबकि 41% कहते हैं कि मुल्क दुरुस्त सम्त में नहीं जा रहा है। ये सर्वे हुकूमती पॉपुलैरिटी के हवाले से क्या इंडिकेट कर रहा है? जी बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। तो ये सर्वे अमूमी तौर पर तो मुल्क की डायरेक्शन के हवाले से है, मगर हुकूमत के इकदामात मुल्क की डायरेक्शन के हवाले से लोगों की जो ख्यालात हैं उनको काफ़ी असरअंदाज करता है। हाँ जी। और इस सर्वे के मुताबिक तो जो हुकूमत का ये कहना कि मुल्क को हमने सही सिमत में डाल दिया है, आवाम की अक्सरियत यानी 41% इस बात से पे यकीन नहीं रखते कि मुल्क को सही सिंध में डाल दिया है। तो दो चीज़ें हैं, एक ये कि मुल्क इस वक्त उसमें हालात कैसे हैं और दूसरी चीज़ ये कि आगे आने वाला वक्त कैसा होगा। अनफॉर्चुनेटली दोनों के ऊपर ही अक्सरियत एक मनफी राय रखती है इस वक्त। सही होगा बिलाल गिलानी साहब, अगर हम सर्वे की बात करें सैंपल क्या था इसका और ये सर्वे गैलप ने कब किया है? जी बिल्कुल, जो मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री भी बता दूं तो गैलप तकरीबन 40 साल से सर्वे कर रहा है और हमारा जो तरीका है सर्वे करने का उसमें तकरीबन 1500 अफराद को शुमारियाती तौर पर चारों सूबों से जिसमें अर्बन और रूरल इलाके भी शामिल हैं, चारों प्रोविंसेस इसमें शामिल हैं, मर्द और ख्वातीन इसमें शामिल हैं, उनको सर्वे किया गया और ये अप्रैल के हालिया महीने के बिल्कुल शुरू में पहले हफ्ते में सर्वे मुकम्मल किया गया था मुल्क भर में। बिल्कुल ठीक है गिलानी साहब, हमें ज़रा ये भी बता दीजिएगा 21% लोग ये कुछ समझते ही नहीं हैं, उनको पता ही नहीं है इस बारे में, या वो अपनी राय देना नहीं चाहते हैं, या अभी वो फैसला ही नहीं कर पा रहे हैं कि मुल्क दुरुस्त सम्त में है या नहीं है, ये कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा? ये जो 21% लोग हैं टेबल टर्न करने में क्या इनका बहुत बड़ा किरदार होगा? बिल्कुल, तो इसमें दो तीन तरह के अवामिल शामिल हैं। एक इसमें ऐसे अफराद हैं जिनका ये कहना है कि ना मुल्क सही डायरेक्शन में जा रहा है ना गलत डायरेक्शन में जा रहा है, तकरीबन कोई 50-50 मिला जुला सा रुझान है जैसा चल रहा था, जी जैसा दरमियान में है। कुछ का ये ख्याल है कि हालात इस हद तक संगीन है कि इनके बारे में अभी राय देना थोड़ा सा मुश्किल है, हालात तेजी से तब्दील हो रहे हैं, कभी महसूस होता है कि हालात ठीक हैं, कभी महसूस होता है कि हालात खराब हो रहे हैं। तो इनकी ये जो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो अफराद हैं जिनकी राय इस वक्त थोड़ी सी मुनकसिम है, ये अफराद पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी और इकोनॉमिस्ट्स के लिए भी इनको कन्विंस करना और इनके हालात को बेहतर करना ताकि ये किसी राय की तरफ जा सकें बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने, मैं अगर आपकी इजाज़त हो तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि हमने लोगों से ये भी पूछा कि आप अगर ये कह रहे हैं कि मुल्क जो है वो गलत सिंध में जा रहा है तो और अगर सही सिंध में जा रहा है तो क्यों जा रहा है? तो सबसे बड़ा जो रीज़न लोगों ने दिया जब उन्होंने कहा कि मुल्क गलत सिंध में जा रहा है वो ये, उन्होंने कहा कि मुल्क में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, की शरह बढ़ गई है, मुल्क में महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और हम ये सर्वे हम कई दहाइयों से करते आ रहे हैं और हमने देखा कि ये जो रीज़न है कि मुल्क में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और महंगाई बहुत ज़्यादा है, इस वक्त इसकी शरह पाकिस्तान में तकरीबन दो दहाइयों में हमने इस हद तक की शरह नहीं देखी। तो लोगों में मायूसी की का जो बुनियादी रीज़न है इस वक्त वो ये है कि लोगों को ना रोज़गार के मौके मैसर हो रहे हैं और महंगाई जो है वो एक तरह से उसका जिन जो है वो बोतल से बाहर आ गया है और हुकूमत को भी कोई ऐसा तरीका नज़र नहीं आ रहा। तो एक हकूमती दावे हैं और दूसरी तरफ आवाम की एक राय है जो कैप्चर हुई है। तो बिलाल गिलानी साहब, ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब इस तरह के सर्वे होते हैं इस तरह के नतायज सामने आते हैं कि हुकूमत की पॉलिसीज पर भी कोई फ़र्क पड़ता है या वो इस तरफ से कोई देखते हैं आपकी कोई असरअंदाज होती हैं हुकूमतों के मुस्तकबिल पर ये जो सर्वे के रिजल्ट होते हैं?
जी, जो सर्वे का मकसद भी यही है कि हम जो हुकूमत है और इस वक्त की जो सियासतदान हैं, जो कि आवाम की राय और उनकी तर्जुमानी करने के लिए हुकूमत में आए हैं, कौमी असम्बली में आए हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, उन तक आवाम की राय क्या है इसको समझना एक थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो इसीलिए पब्लिक ओपिनियन की एक फील्ड कायम की गई और हमने देखा है कि हम तकरीबन 40 साल से ये काम पाकिस्तान में कर रहे हैं, हमने देखा है कि सियासतदान भी और हुकूमत भी इस तरह के तज्जिए ज़रूर पढ़ते हैं और इसे संजीदगी से लेते भी हैं, किस हद तक उस पर वो अमल कर सकते हैं, किस हद तक वो इनको इन तज्जियों को अपनी पॉलिसी मेकिंग में शामिल कर सकते हैं, इसमें कुछ सलाहियत का और कुछ नीयत का अमल शामिल है, मगर हमने देखा है कि लोग हुकूमत जो है वो इसको संजीदगी से लेती है। बिलाल गिलानी साहब, हमें ये भी बता दें, 40 साल से आप इस तरह का काम कर रहे हैं, तो जब ये सर्वे आ रहा होता है तो गवर्नमेंट के हक में कम लोग ही होते हैं या ज़्यादा लोग होते हैं, ट्रेंड है क्या वैसे, आवाम खुश होते हैं ना खुश होते हैं? जी, हमारा काम क्योंकि आम पाकिस्तानी की राय लेना है, तो हम और हमने देखा है कि आम पाकिस्तानी अगर अनपढ़ भी है, अगर बहुत अमीर नहीं भी है, तो उसकी राय काफ़ी समझदार होती है और वो किसी एक डायरेक्शन पे हरगिज़ नहीं होती। तो जब हुकूमती कारकर्दगी अच्छी हो, मुल्क में इकॉनमी बेहतर जा रही हो, एक उम्मीद की की किरण जो है वो नज़र आ रही हो, तो लोगों की राय मुस्बत भी होती है हुकूमत। ठीक है, बिलाल जानी साहब, जो पहले के अदवारे हुकूमत हैं हम उनकी बात कर लें, तो पहली हुकूमतों के दौरान अगर आपने सर्वे किया तो क्या रिजल्ट यही रहे या मुख्तलिफ आए? बिल्कुल, इस पे इस हुकूमत ने जब हुकूमत संभाली 2018 में, तो उस वक्त जो अफराद की राय के जिनका ख्याल था कि मुल्क सही सिमत में जा रहा है, वो ऐसे अफराद जिनका ख्याल है कि मुल्क मनफी सिमत में जा रहा है, उनसे सिग्निफिकेंटली ज़्यादा थी। अच्छा। तो एक उम्मीद इस हुकूमत ने और पीटीआई की हुकूमत ने एक काफ़ी उम्मीद की उम्मीद भी लोगों को दिखाई कि हम क्योंकि मुख्तलिफ हैं, हम नए हैं, तो इसलिए हम बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। फिर कुछ इकॉनमी ख़राब हो गई, कुछ कोरोना ने भी लोगों की उम्मीदों पे पानी फेरा, तो इसी हुकूमत में अगर आप देखें तो इस शरह में इजाफा नहीं बल्कि कमी हो रही है कि जो लोग उम्मीद रखते हैं पाकिस्तान की डायरेक्शन के हवाले से। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल गिलानी साहब, आपसे पाकिस्तान का हिस्सा बने। 41% जो पाकिस्तानी हैं वो ये समझते हैं कि मुल्क दुरुस्त सम्त में नहीं जा रहा, जबकि 38% लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि मुल्क बिल्कुल दुरुस्त सम्त में जा रहा है, लेकिन 21% जो हैं वो अभी भी कोई राय नहीं रखते हैं, उनकी राय सबसे अहम होगी। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक स्टे विद अस।